ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਧੰਮਪਦ ਗਾਥਾ ਕਥਾ ਨੰਬਰ 53 ਜਾਂ 53 ਪੁੱਫ ਬੱਗੋ ਨਿਗਾਰ ਮਾਤਾ ਇਹ बुद्ध साहित्य में एक बड़े कमाल की बात है कि ससुर ने अपनी लड़के की जो बहू है उसकी पत्नी है उसको माता कहा, निगार को, निगार की माता यानी अपने ससुर की माता विशाखा, क्योंकि जो विशाखा थी वो 7 साल की आयु में ही सोतापन्न हो गई थी। जो एक नगर सेठ है धनंजय भद्दिया नगर में, अंग राज्य का एक भद्दिय नगर है, भद्दिय जो शब्द होता है भद्दिय माने होता है भद्र यानी कि बहुत अच्छा बहुत शालीन, अंग प्रदेश यानी अंग राज्य है उसका एक भद्दिय नगर है, उसमें धनंजय, धनंजय का मतलब जिन्होंने धन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, नगर सेठ। तो धनंजय वहां के एक नगर सेठ थे, उनकी पुत्री यानी धोती थी विशाखा। विशाखा बचपन से ही धम्म को सीखने लगी और कमाल की बात है कि 7 साल की छोटी सी आयु में वो सोतापन हो गई, धम्म को इतना ज्यादा जान गई। राजा पसेनजीत के आग्रह पर वो लोग साकेत में आके बसने लगे। साकेत मतलब साक्यों का खेत, क्योंकि साक्य क्षेत्र बोलते हैं उसको, जहां साक्य लोग रहते थे, साग सब्जी उगाने वाले साक्य, और खेत का मतलब है क्षेत्र, आज के समय बोलते हैं खेत, तो साक्य खेत को साकेत करके बोलते हैं। वहां आके वो लोग रहने लगे। विशाखा का जो विवाह है वो जिन लोगों से हुआ, यानी पूरन वड्डन उनके पति का नाम था और मिगार उनके ससुर का नाम। मिगार जो थे वो सेठ थे और उनकी जो उनका जो बेटा था पूरन वड्डन, पूरन वड्डन का मतलब है जो पूरी तरह से बढ़ा हुआ हो। तो ये विवाह, क्योंकि वो सावित्री में रहते थे और सावित्री में ये शादी उनकी हुई, वो भगवान बुद्ध के वचन या वाणी को ध्यान नहीं देते थे, ना ही उनका उनमें रुझान था, वो किसी और मत में किसी और जगह वो अपना ध्यान लगाते थे। विशाखा वहां आई तो दोनों ही चीजें बड़ी अजीब सी हो गई, क्योंकि विशाखा तो सोतापन है और सोतापन स्थिति बड़ी ऊपर की होती है, अब 7 जन्म और ज्यादा होंगे और वो मुक्त हो जाएगी, और वहां जो लोग हैं अभी धम्म का ABCD भी नहीं जानते, और जो वो अभ्यास कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं, जहां वो देख रहे हैं, वहां धम्म सम्यक सम नहीं है, यानी सम्मा सम नहीं है। सम्मा सम का मतलब है अच्छी तरह, पूरा नहीं है, अधूरा है, तो सम्यक सम या सम्मा सम। तो विशाखा के आचरण को देखते देखते, विशाखा के मन की शांति को देखते देखते और विशाखा का जो व्यवहार था उसको देखते देखते, निगार जो उसके ससुर थे और जो उनका पति था पूरन वड्ढन, दोनों को जिज्ञासा हुई और वो धम्म की वाणी को, धम्म को समझने का प्रयास करने लगे। क्योंकि जितने भी धम्मिक लोग होते हैं और धम्म को जानने वाले होते हैं, उनका कहीं कोई पंपलेट, कहीं कोई प्रचार, कहीं कोई लाउडस्पीकर पे या कहीं कोई वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर, या भगवान बुद्ध ने अपने भिक्कों को कभी भेजा, ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे कहते हुए कभी नहीं सुना गया, आओ लोगों बुद्ध का मत अपना लो, आओ लोगों तुम्हें इतना पैसा देंगे तुम बुद्ध का मत अपना लो, बुद्ध की फिलॉसफी को अपना लो, आओ लोगों देखो बुद्ध की जो मत है उससे तुम्हें घर मिलेगा या मकान मिलेगा, या इसको हम समुदाय बनाते हैं या इसकी राजनीति बनाते हैं या यहाँ राजा बनेंगे या इसमें मारकाट मचानी है, या ये जो बुद्ध का मत है इसको बहुत बड़ा करना है, या बुद्ध का मत ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, या बुद्ध की जो फिलॉसफी है और जो बुद्ध ने बताया है उसके मुकाबले कहीं कुछ नहीं है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, ऐसा वाक्य कभी भी आपको किसी भी धम्मिक से सुनने को नहीं मिलेगा, भिक्कू से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सब लोग धम्म को देखते हैं, उसका व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं, कभी किसी को नहीं कहते आपकी इच्छा है आप धम्म सीखिए, आपकी इच्छा है आप धम्म मत सीखिए। धम्म आपसे कभी नहीं कहेगा कि आपको जबरदस्ती फोर्सफुली आपको ये धम्म सीखना पड़ेगा या अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये कमाल की बात है कि भारत में सम्राट अशोक के समय में सारा का सारा ईरान से लेके और थाईलैंड तक यहाँ बुद्ध की फिलॉसफी और बुद्ध का ही शासन चलता था, यानी शासन का मतलब है शिक्षा, सिक्खा, एजुकेशन, और उस पर सारा का सारा बहुत शांति से और बहुत बढ़िया पूरा देश चलता था, और देश की पूरी दुनिया की GDP का 26% भारत में होता था। भारत में 12 यूनिवर्सिटी थी,
सब कुछ शांति प्रिय था। ऐसा कोई साइन नहीं मिलता कि यहाँ कोई वाद विवाद या झगड़ा या लड़ाई झगड़ा कभी मनुष्य और मनुष्य के बीच में रहा हो। और यहां से धम्म का पतन हुआ तो धम्म ने अपना विरोध नहीं किया। अगर मनुष्य का पतन हुआ तो धम्म का पतन हुआ, धम्म का कोई पतन नहीं हुआ। धम्म अच्छा था तो लोग इसको यहां से दुनिया भर में लेके चले गए। धम्म सबसे बढ़िया था तो इसने पूरी दुनिया में लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। यहाँ के लोगों का पतन हो गया, यहाँ उनकी मॉरलिटी चली गई, यहाँ चोरी चकारी व्यभिचार हत्या झूठ बढ़ गए, तो धम्म अपने आप यहाँ से चला गया। अब फिर दोबारा से धम्म आ रहा है। तो मिगार माता का व्यवहार देख के उन्होंने सबने धम्म में शरण ली और धम्म की बात को समझने लगे। विशाखा ने धम्म में बड़े सारे काम किए। उन्होंने एक पुब्बाराम करके एक मंदिर या विहार बनवाया जहां लोग ठहरते थे और जहां बौद्ध भिक्षु सब साधना करते थे। पुब्बाराम का मतलब है पुब्ब आराम, यानी पूरा आराम। इसको पूर्व आराम भी बोलते हैं, पूर्व आराम भी करके बोलते हैं। तो यहां आराम इसमें सब जुड़ा हुआ है। आराम बगीचे को या बाग को पाली भाषा में बोला जाता है। पुब्बा आराम, पुब्ब आराम यानी पूर्व आराम, ऐसा उसने वहां बनवाया। विशाखा समय समय पर बहुत ज्यादा दान भिक्षुओं को और भिक्षु संघ को देती रहती थी। एक दिन वो अपने सब अच्छे कार्यों को याद करके और उनको थोड़ा थोड़ा मुंह में अटरिंग कर रही थी। अटरिंग मतलब गुनगुना रही थी, बोल रही थी। भिक्षु ने देखा कि विशाखा थोड़ा थोड़ा गा रही है तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि श्रोतापन या भिक्षु या जो भी हैं उनके लिए गायन बहुत ज्यादा निषेध है, क्योंकि गायन की उन्हें आवश्यकता नहीं है। गायन में एक रास आता है, गीत जब गाते हैं तो उसमें एक रस आता है, उस रस को भिक्षु या श्रोतापन की आवश्यकता नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। इसलिए भिक्षुओं के लिए गाना निषेध होता है और श्रोतापन भी नहीं गाते, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। तो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान विशाखा गा रही थी, ऐसा कैसे हो गया, वो तो श्रोतापन है। तब भगवान ने यह कहा कि वो गा नहीं रही है, वो उदान कर रही है। उदान जो शब्द है एक बहुत कमाल का पाली में है। उदान का मतलब है कि उल्लास पूर्वक जब कोई बात स्वयं आपके अंदर से निकलती है और शब्दों में बदलती है। ऐसे उदान बहुत सारे भगवान बुद्ध के मुंह से आए। जब भगवान बुद्ध ने जैसे ही धम्म को हासिल किया तब उनके मुंह से अपने आप निकला कि धम्म कैसा है। बहुत बार उनके उदान है। उदान की पूरी एक किताब भी है जो खुंदक निकाय का तीसरा गंठ है। गंठ मतलब जहां गांठ बांधी है सारे के सारे, जितने भी लिखा हुआ या बोला हुआ या सुना हुआ जो भी चीज है उसको गांठ बांधी, तो वो गंठ हो गया, बाद में ग्रंथ कहने लगे। तो ये वो उदान है जो वो बोल रही थी और जो वो कह रही थी। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा नंबर 53 कही। यथापि गाथा इस प्रकार है, यथापि पुफ राशि महा कैरा माला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कतबंग कुसलंग बहु। पाली भाषा बहुत धीरे धीरे और बहुत शांति से बोली जाती है। ये शांत भाषा है, इसमें जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो इसे पढ़ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये एक एक शब्द बहुत आराम से होता है और कई कई शब्द जुड़े हुए होते हैं। मैं दोबारा इस गाथा को पढ़ रहा हूं तो आप ध्यान देंगे, अगर रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएगी। यथापि पुप्फ राशि महा कैरा माला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कतबंग कुसलंग बहु। राशि जो बोलते हैं, राशि का मतलब होता है ढेर। कहते हैं भाई हमारी कितनी राशि हो गई, या राशि फल क्या है। राशि फल का मतलब है ढेर में कितना सामान है उसका फल बताओ, रिजल्ट कितना है, उसको राशि फल बोलते हैं। तो राशि का मतलब पाली भाषा में ढेर होता है। शय बाद में लगा दी, अब तो राशि बोलते हैं, उस समय राशि हुआ करता था। यथापि पुफ राशि महा, यथापि मतलब जैसे, पुफ राशि का मतलब है फूलों का ढेर। कैरा माला गुणे बहु, कैरा का मतलब है बनाए, माला गुणे, माला का मतलब माला होता है जो हम गले में पहनते हैं, गुणे का मतलब यहाँ गुण भी होता है और धागा भी होता है, यानी कि धागे में फूलों को चुनकर माला बनाए। बहु माने बहुत, बहु जो शब्द है ये बहुत कमाल का है। इसमें बहु माने जो होता है वो अनेक है और बहुत है, जैसे बहुजन है, बहुमत है, बहुबली है, या बहुलता है, बहुली विहार है, बहुलीकरण है, या बहुदा है। ये सारे के सारे शब्द बहु से बने हुए। बहु का मतलब है बहुत। एवं जातेन मच्चेन,
एवं माने इसी प्रकार, जातेन माने जो जात लेता है, जात का मतलब जन्म लेता है, मच्चेन माने प्राणी यानी कि जो प्राणी जन्म लेते हैं, इसी प्रकार जितने प्राणी, इसका मतलब यह है। कतबंग कुशलंग बहुं, कतबंग का मतलब है करना चाहिए, कुशलंग बहुं, कुशलंग का मतलब है कुशल काम, और बहु माने बहुत सारे। वो ये कह रही है जो वहां वो अटरिंग कर रही थी, तो भगवान बुद्ध ने जब अपने शब्दों में उसको बताया तो बताया कि किस तरह से किसी उपासक या उपासिका को क्या करनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूलों का बहुत बड़ा ढेर होता है और उसमें मालाएं बनाई जाती हैं, गूंथी जाती हैं बहुत सारी, वैसे ही जो जितने भी प्राणी हैं उन सबको अपने कुशल काम का मालाएं बनानी चाहिए, उनके कुशल कामों को गूंथना चाहिए, उनको इकट्ठा करना चाहिए। ये इसका सार है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।